सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब यूनिक एजुकेशन चैनल को और हमारे इस यूट्यूब यूनिक एजुकेशन चैनल के बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट पहले मिले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे दिवाली 2020 10,000 रुपये तक की रेंज में 10 बेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन दिख रहे हैं जो आपको कम रेंज में मिल जाएंगे 10,000 से। तो फ्रेंड इसकी बात करें तो इसमें पहला फ़ोन है तो 10,000 तक रेंज। दिवाली के त्यौहार में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं, अधिकतर लोग शॉपिंग में व्यस्त हैं और कुछ तो गहने खरीद रहे हैं, कुछ टीवी मोबाइल और कुछ तो प्लानिंग बना रहे हैं मोबाइल ख़रीदने की। तो फ्रेंड आप भी कुछ प्लानिंग बना रहे हैं मोबाइल फ़ोन ख़रीदने की तो आप 10,000 रुपये तक से कम प्राइस से खरीद सकते हैं। तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की है। फ्रेंड तो शुरू करते हैं इस 10 स्मार्टफोन के बारे में। तो पहला स्मार्टफोन रेडमी नाइन के बारे में आप जानती हैं। रेडमी नाइन कितना अच्छा फ़ोन है, कितना लोग देख ही रहे हैं, सही है 10,000 में रेंज में मिल रहा है आपको। तो रेडमी नाइन की बात करें तो रेडमी नाइन की रैम है 4G रैम है और इसकी स्टोरेज है 64 GB स्टोरेज। इसकी प्राइस की बात की जाए तो 8,999 रुपये में मिल रहा है, यानी कि 9,000 रुपये तक पड़ ही रहा है आपका। तो वहीं इसके 4G रैम और बात की जाए 4G रैम और 128 स्टोरेज पैरेंट की कीमत है 9,999 रुपये। तो फ्रेंड और इसकी डिस्प्ले की बात करें तो रेडमी नाइन की डिस्प्ले की बात करें तो फ्रेंड 6.53 इंच की HD डिस्प्ले है। तो मीडिया और इसमें मीडिया टेक हीलियो G35 प्रोसेसर है और इसमें कैमरे की बात की जाए तो डुअल रियर कैमरा सेटअप है और 13 मेगापिक्सल का और दो पहला 13 मेगापिक्सल का और दूसरा 2 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, यानी कि सामने का। और इसमें 5,000 बैटरी की बात की जाए तो 5,000 mAh की बैटरी है। तो फ्रेंड नेक्स्ट फ़ोन की बात करें तो नेक्स्ट फ़ोन है Moto E7 Plus। तो ये काफ़ी अच्छे फ़ोन, ये भी फ़ोन बहुत बढ़िया है। तो फ़ोन की कीमत है 9,499 रुपये है। और वहीं डिस्प्ले की बात करें इसकी Moto E7 Plus की तो डिस्प्ले है 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले है और 460 इसका प्रोसेसर है और इसमें रैम की बात करें तो 4GB रैम है और इसकी स्टोरेज 64 GB स्टोरेज, काफ़ी अच्छा है। और इसमें कैमरे की बात की जाए डुअल रियर कैमरा सेटअप है और जिसमें और मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल और दूसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का और सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। वहीं बैटरी की बात की जाए बहुत ही अच्छी बैटरी बैकअप है इसका भी और 5,000 mAh की बैटरी है और जो 10 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फ्रेंड अब बात करते हैं नेक्स्ट फ़ोन की। नेक्स्ट फ़ोन है रियलमी सी ट्वेल्व से आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा बेहतरीन फ़ोन है। तो इसके बारे में बात करते हैं, इसका फ़ोन में 3 GB रैम है और रैम और स्टोरेज की बात की 32 GB स्टोरेज इसकी मिलेगी। और इसकी प्राइस की बात करें तो फ्रेंड तो 8,999 रुपये है इसकी प्राइस। और फ्रेंड ये बैटरी की बात की जाए बैकअप के बारे में तो इसमें 6,000 mAh की बैटरी दी गई है और इसमें अलावा कैमरे की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है और जिसमें फ्रेंड अच्छे आपको ये एक लेंस की इसमें 13 मेगापिक्सल का और दूसरा 2 मेगापिक्सल का और दूसरा है सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का लेंस मिलेगा। तो फ्रेंड आप इसको देख ही सकते हैं कितना अच्छा लुक है इस रियलमी सी ट्वेल्व का। आप अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप रेडमी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। फ्रेंड तो नेक्स्ट फ़ोन है रेडमी एट की फ़ोन की बात करें तो इसके बारे में बात करते हैं रैम क्या है इसकी। तो रैम 4G रैम है और इसकी स्टोरेज है 64 GB स्टोरेज वाला फ़ोन है और इसकी प्राइस की बात की जाए फ्रेंड तो ये भी बहुत अच्छी है 9,999 रुपये है। 10,000 में अच्छा फ़ोन मिल रहा है आपको। और इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.2 इंच की नॉन HD डिस्प्ले है फ्रेंड और इसमें 439 प्रोसेसर है और कैमरे की बात की जाए डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा और इसमें है जिसमें है 12 मेगापिक्सल का सोनी IOX और फ्रेंड इसमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मौजूद है और साथ ही ये 8 मेगापिक्सल वाले कैमरे से शानदार सेल्फी क्लिक कर सकेंगे फ्रेंड। और इसमें बैटरी की बात करें तो 5,000 mAh की बैटरी है फ्रेंड। तो आपको ये फ़ोन कितना अच्छा लुक फील अच्छा फ़ोन दिख रहा है, आप इसे भी बाय कर सकते हैं फ्रेंड, बहुत अच्छा फ़ोन है। अगर आपको ये फ़ोन बढ़िया लग रहा है तो इसकी जो इमेज है आपको मैं दिखा रहा हूँ कितना अच्छा फ़ोन है रेडमी 8। तो फ्रेंड नेक्स्ट फ़ोन की बात करें तो पोको थ्री भी फ़ोन बहुत बढ़िया है फ़ोन है, ये भी ब्रांडेड फ़ोन है काफ़ी बढ़िया है। तो इसकी फ़ोन के बारे में बताते हैं फ्रेंड
इस फ़ोन की सूरत कीमत है 7,999 रुपये से स्टार्ट होता है ये फ़ोन, और इसमें आपको 2 GB RAM के साथ, और इसमें स्टोरेज है 32 GB स्टोरेज वाला, 32 GB स्टोरेज है। और वहीं इसकी नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट फ़ोन की, इसकी Poco 3 जो 4G में मिलता है, 4G RAM है, और इसके साथ 64 GB स्टोरेज भी है, और इसकी कीमत है 8,999 रुपये है। और इस फ़ोन की डिस्प्ले की बात करें जाए तो डिस्प्ले है 6.53 इंच की HD+ डिस्प्ले है। इसमें मीडियाटेक हीलियो G35 प्रोसेसर है फ्रेंड। और इसमें कैमरे की बात करें, इसमें ट्रिपल रियर कैमरे सेटअप है, और इसमें मैन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, और दूसरा है 2 मेगापिक्सल का, और माइक्रो, और तीसरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है इसका। सेल्फी के लिए ये फ़ोन भी में 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। तो Poco C3 में बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी है, तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है ये भी फ्रेंड, आप बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप नेक्स्ट फ़ोन की बात करें तो Redmi 9 Prime की फ़ोन की बात करें तो काफ़ी ये भी बहुत अच्छा फ़ोन है, जो आपको कम 10,000 से कम रेंज तक की मिल जाएगा, आपको 10,000 तक आपको मिल ही जाएगा। फिर तो इसकी बात करें तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप इमेज दिख रही होगी कितने अच्छा, तो इसकी प्राइस और रैम और स्टोरेज के बारे में बताते हैं। तो Redmi 9 Prime स्मार्टफोन में 6 पॉइंट जो डिस्प्ले है 6.53 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। मीडियाटेक और हीलियो G80 प्रोसेसर है, और कैमरे की इसमें कैमरा भी सेटअप बहुत अच्छा है, और जिसमें कैमरा की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और जो फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, और जिसमें इसमें और बैटरी की बात की जाए तो इसकी बैटरी है 5,520 mAh की बैटरी है, और ये 10 वाट की फास्ट चार्जिंग फीचर से सपोर्ट करती है। तो रेडमी 9 प्राइम की शुरुआती कीमत है 9,999 रुपये है, यानी इस कीमत में आपको 4G RAM और इसकी स्टोरेज 64 GB स्टोरेज में वेरियंट में मिलेगा। फिर आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं, इसकी इमेज दिखाता हूँ फ्रेंड, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप इसकी इमेज देख ही सकते हैं कितना अच्छा फ़ोन है। तो फ्रेंड नेक्स्ट फ़ोन की बात करें, Realme Narzo 10A, ये भी खास अभी लॉन्च हुआ है ये फ्रेंड, काफ़ी अच्छा है, ये भी 10,000 की रेंज में तक आपको मिल जाएगा। तो ये भी दिवाली 2020 ऑफर चल रहा है फ्रेंड, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, ये भी 10,000 में आप बाय कर सकते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट। तो इसके बारे में हम बताते हैं फ़ोन के बारे में, Redmi Narzo 10A में रैम है 4G RAM है, और 64 GB स्टोरेज है, और इसकी कीमत की बात करें तो 9,499 रुपये है। और इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच की HD डिस्प्ले, और इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन और 665 प्रोसेसर है, और इसमें कैमरे की बात की जाए तो ट्रिपल रियर कैमरे सेटअप है इसमें, काफ़ी अच्छे कैमरे इसमें, काफ़ी ये भी अच्छा पिक्सल क्लिक करता है। और इसमें बात करें जिसमें कैमरे की तो 12 मेगापिक्सल का, और दूसरा 2 मेगापिक्सल का, और तीसरा 2 मेगापिक्सल का, और सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। और इसकी बैटरी की बात की जाए तो 5,000 मेगाहर्ज की बैटरी है, जो रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है फ्रेंड, काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। इसकी आपको लुक दिखा देता हूँ उसका, फ़ोन का Narzo का, काफ़ी इस तरीक़े से आपको इसका इंटरफेस दिखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया लुक एंड फील काफ़ी है। तो फ्रेंड नेक्स्ट फ़ोन की बात करें तो Moto G8 Power Lite फ़ोन की बात करें तो इसमें डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच की का HD+ IPS LCD डिस्प्ले है इसकी, और बैटरी की बात करें बहुत ही पावरफुल बैटरी है, बहुत ही अमेजिंग बैटरी है, बहुत अच्छा सपोर्ट करती है बैटरी, तो इसमें 5000 mAh की बैटरी है दी गई है, जो 10 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। भाई और इसमें बात की जाए मीडियाटेक की हीलियो तो P35 SoC प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें आप रियर कैमरे की बात करें, इसके कैमरे की बात करें 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, तो 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस दिया गया है। तो सेल्फी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जो सामने को दिया गया, बहुत ही अच्छा कैमरा, बहुत ही अच्छा फ़ोटो क्लिक करता है। वहीं इसके लिए रियर 3 कैमरा का सेटअप दिया गया है, इसमें
4G और रैम की बात में तो 4G रैम की और स्टोरेज है 64 GB स्टोरेज है और इंटरनेशनल स्टोरेज दी गई है। तो आप इसके SD कार्ड के जरिए इसकी स्टोरेज को भी 256 GB तक भी बढ़ा सकते हैं, सो बढ़ाने की कैपेसिटी भी दी गई है। फ्रेंड कितना अच्छा फ़ोन, इसकी प्राइस की बात करें 8,999 रुपये प्राइस इसकी। फ्रेंड ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आपको देख ही रहे होंगे कितना अच्छा फ़ोन है। मोटो G8 पावर लाइट काफ़ी, ये भी काफ़ी अच्छा है जो 10,000 की रेंज तक में आपको कम में मिल रहा है। तो फ्रेंड आपको ये भी बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट फ़ोन की बात करते हैं, सैमसंग गलेक्सी M01S, ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। सैमसंग के डिस्प्ले की बात करें तो इसका डिस्प्ले 6.2 इंच का इन्फिनिटी बी डिस्प्ले दिया गया है। ये इसका पावर की बात करें मीडिया टेक हीलियो P22 ऑक्टा को और 2 GHz का प्रोसेसर दिया गया है जिसमें आपको रैम मिलेगी 3 GB और स्टोरेज है 32 GB दिए गए हैं। इस ग्राहक को माइक्रो SD कार्ड के जरिए 512 GB तक भी बढ़ा सकते हैं इसका। इस स्मार्टफोन एंड्रॉयड स्मार्टफोन में 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी काम करता है। इसके अगर बैटरी की बात की जाए तो 4000 mAh की बैटरी है दी गई है। और सैमसंग गलेक्सी M01S के कैमरे की बात करें तो इसमें रियर कैमरा 3 MP का प्राइमरी सेंसर और दूसरा 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया है। वहीं इसकी सेल्फी के लिए बात की जाए तो इसमें 8 MP का फ्रंट कैमरा है, जो सामने का कैमरा है 8 MP का है फ्रंट कैमरा इसकी। और कीमत प्राइस की बात करें तो इसकी 8,999 रुपये है। तो फ्रेंड ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है सैमसंग गलेक्सी M01S, काफ़ी से भी बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है Redmi 9i, ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो इसके बारे में देनगर से शुरू करते हैं इसके बारे में। इसके Redmi 9i की भारत में शुरुआती कीमत है 8,299 रुपये, यानी इसको इसकी रैम है 4G रैम हो और इसमें 64 GB स्टोरेज मिलेगी। वहीं इसके दूसरे फ़ोन की बात करें तो जिसमें 4G रैम के साथ और स्टोरेज है 128 GB स्टोरेज है और इसकी कीमत है 8,999 रुपये। फ्रेंड रेडमी 9 ये मिड नाइट ब्लैक और जिसमें सी ब्लू और नेचर ग्रीन कलर वेरिएंट भी मिलेंगे। तो फ्रेंड इसके इसमें कैमरे की बात करें तो कैमरा डुअल सिम सपोर्ट के साथ एक 10 एंड्रॉयड 10 है जिसमें MI 12 दिया गया। तो इसके अलावा आप इसमें जो दूसरे फ़ोन की जो डिस्प्ले है इसमें 6.53 इंच की HD+ डिस्प्ले है। तो जिसका आप रिवोल्यूशन है इसका 720x1600 पिक्सल है। तो इस फ़ोन के हीलियोटेक की बात की तो जिसमें 25 प्रोसेसर है और दूसरे एक है और एक्टा कोर प्रोसेसर है। इसमें 4G रैम और के साथ 128 GB स्टोरेज की तक की स्टोरेज मेमोरी मिलेगी। तो फ्रेंड इसके इस देख ही सकते हैं, इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, बहुत ही अच्छा जो 10,000 की कीमत में भी कम में मिल रहा है। तो फ्रेंड नेक्स्ट फ़ोन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फ़ोन ये सारे हो गए जो 10 फ़ोन हैं, आप इसके देख ही सकते हैं कितना अच्छे फ़ोन 10,000 में मिल रहे हैं। अगर आपको ये फ़ोन आपको अच्छा लग रहे हैं तो काफ़ी इसमें से कोई सा भी फ़ोन आप 10,000 की कम रेंज में तक की आप खरीद सकते हैं। फ्रेंड 10,000 तक का भी काफ़ी अच्छा फ़ोन मिल जाएगा आपको। फ्रेंड तो ये वीडियो आपके लिए हमने बनाया है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें बताएं आपको वीडियो हमारा कैसे लगा, कमेंट करके हमें बताएं। फ्रेंड अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो यस टाइप करें, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं आया तो नो टाइप करें। फ्रेंड तो थैंक यू।